also go again once to one of our colleagues who's coming from Lucknow. Ravi joins us. And Ravi, as you join us from Lucknow, tell us about the kind of mood that is there around you and how after yesterday, when India yesterday again got a increased medal tally in the kitty, how people are responding, what is their state and what do they essentially have to say? निश्चित तौर पर बेहद ही खुशी है और ये वो सारे नन्हे खिलाड़ी हैं जो इस पूरे ओलंपिक को देख रहे हैं। पेरिस ओलंपिक को लेकर जैसे कि उत्साह है वो लोगों को देखने को मिल रहा है। हालांकि मनीष फोगाट को लेकर निराशा जरूर थी, लेकिन जिस तरीके से नीरज चोपड़ा ने कल एक उपलब्धि हासिल की है, रजत पदक जीता है, उससे कहने की देश पूरा गौरवान्वित है और खुशी की नजर लहर वो नजर आ रही। सभी खिलाड़ी हैं जो किसी न किसी खेल से जुड़े हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से कल एक उपलब्धि हासिल नीरज चोपड़ा ने? सर बहुत खुश है हम लोग, अच्छा लगा उन्होंने सेकंड प्लेस लगाई। क्या कहना चाहेंगे इस उपलब्धि को लेकर? बहुत ही खुश हैं, हमारे इंडिया ने फिर से सिल्वर मेडल लाया, दूसरी बार भी वो सेकंड पोजीशन पे आए, हम लोग को बहुत ही गर्व का पल है ये चीज। क्या कहना चाहेंगे अल्बू, जिस तरीके से पूरा पेरिस ओलंपिक चल रहा है और जिस तरीके से भी भैया ने कहा कि हाँ इस समय बहुत खुशी का पर्व है और भैया ने जैसे कहा कि सेकंड प्लेस आई है तो बहुत ही खुशी है, हम लोग बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है अपने इंडिया पे और ऐसे ही किस तरीके से खुशी आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं? यार तो बहुत खुशी है, बहुत ज़्यादा ही खुशी है। सेकंड प्लेस आई, सिल्वर मेडल लाया नीरज चोपड़ा ने, अब काफ़ी गर्व महसूस कर रहे हैं हम लोग कि आया सिल्वर मेडल तो आया कम से कम। मनीष फोगाट को लेकर जिस तरीके की निराशा थी, लेकिन अब उसको कहीं ना कहीं भले ही लोगों में तकलीफ हो, दर्द हो, उसको लेकर नाराजगी हो, लेकिन जिस तरीके से अभी लगातार ओलंपिक चल रहा हो, जिस तरीके से नीरज चोपड़ा ने जिस तरीके से कल परफॉर्मेंस किया है, उसको लेकर क्या कहेंगे? मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और बहुत देखा, मैं मेरे को बहुत अच्छा लगा जी। क्या लगता है कि अभी जिस तरीके से लगातार पेरिस ओलंपिक चल रहा है उसमें भारत के जो खिलाड़ी हैं और नाम रोशन करें, और ज़्यादा ही खेलेंगे और अच्छे से, क्या कहेंगे? और जिस तरीके से लगातार भारत का जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर रहा है, अलग अलग क्षेत्रों की बात करें जी सर, इस बात में सच्चाई बहुत है और ये है कि हाँ जैसे कि अभी तक चल रहा है ऐसे भी आगे चलता ही रहेगा और अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो ट्रेलर है, अभी पिक्चर अभी बाकी है, यही कहना चाहेंगे। क्या लगता है कि क्या अभी इसमें और तब्दीली होनी चाहिए जिसने नीरज चोपड़ा ने उपलब्धि हासिल की है, क्या लगता है कि खिलाड़ियों को और उत्साह है वो बढ़ना चाहिए? सर उत्साह तो बहुत है खिलाड़ियों को, बस थोड़ा सर सपोर्ट थोड़ा कम मिल पाता हम लोगों को, क्योंकि इसके लिए जैसे प्रैक्टिस अगर और अच्छी हो जाए तो भारत और ज़्यादा मेडल मारेगा अगली बार। लेकिन जिस तरीके से परफॉर्मेंस हो रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे जिसे उपलब्धि हासिल हुई है? सर उसके लिए सर बहुत ही खुश है, सब लोग सपोर्ट भी बहुत करते हैं सबको, तो बस यही कहेंगे कि और अच्छा करना है आपकी बार। निश्चित तौर पर और बेहतर करना है खिलाड़ियों में, कहीं ना कहीं छोटे खिलाड़ी ज़रूर हैं लेकिन उत्साहित हैं और निश्चित तौर पर जिस तरीके से भारत का नाम रोशन हो रहा है उससे कहीं ना कहीं खिलाड़ियों में बेहद उत्साह है वो देखने को मिल रहा है जी। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.